Hello everyone, this is your chapter 2 entitled The King of the Jungle. As you know, हमने chapter 1 complete कर लिया in your English Karnival book और आज हम करेंगे chapter 2. So पहले आप देख लीजिए कि title क्या है आपका, The King of the Jungle. K-I-N-G King means राजा, और किसका राजा, जंगल का, J-U-N-G-L-E. जंगल means forest. वन, आपने देखा होगा forest या तो TV shows में या real life में आपने देखा होगा जंगल. तो ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ, या किसके विषय में, ये जो आपका चैप्टर है किंग के बारे में, जंगल के राजा के बारे में आपका ये चैप्टर 2 है. सो लेट्स रीड फर्स्ट लाइन. व्हाट क्वालिटी मेक्स अ पर्सन ब्रेव, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट क्वालिटी, ऐसे कौन सी क्वालिटी हैं या गुण हैं मेक्स अ पर्सन ब्रेव, जो एक इंसान को साहसी बनाते हैं. B-R-A-V-E, ब्रेव मीन्स साहसी बनाना या पावरफुल बनाना. अब इसने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, स्ट्रेंथ, S-T-R-E-N-G-T-H, स्ट्रेंथ मीन्स पावर या शक्ति, और इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि. स्ट्रेंथ होती है वो चीज़ या इंटेलिजेंस, ऐसी क्या चीज़ है जो एक इंसान को पावरफुल बनाती है या साहसी बनाती है. तो इसी से रिलेटेड आपकी, आपका ये जो चैप्टर है या इसमें दी गई स्टोरी है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है. तो हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स रीड द चैप्टर. इन अ जंगल, जंगल में या वन में, देयर लिव्ड अ माइटी लायन. M-I-G-H-T, माइटी मीन्स शक्तिशाली या पावरफुल. L-I-B-E-D, लिव्ड मीन्स रहता था. कौन रहता था? लायन. एक जंगल में एक शेर रहता था जो कि शक्तिशाली था. ही स्लेप्ट, S-L-E-P-T, स्लेप्ट मीन्स सोना. ड्यूरिंग द डे, D-A-Y, डे मीन्स दिन में, और ड्यूरिंग मीन्स दौरान. दिन के दौरान वो शेर क्या करता था? सोता था. ही हॉन्टेड एट नाइट, H-U-N-T-E-D, हॉन्टेड मीन्स डरना. एट नाइट यानी रात में, रात में वो डरता था. इस जो कॉलम में आपको दो पिक्चर दी गई हैं, वो एक तो डे की है और एक नाइट की है. एज़ यू कैन सी, इन द डे वो क्या है, सो रहा है, आराम से सो रहा है, एकदम सेटिस्फाई होके, वो उसको कोई चिंता नहीं है अभी. लेकिन नाइट में वो जग रहा है और इधर उधर घूम रहा है. क्यों? क्योंकि अब उसको चिंता है, वो हॉन्ट हो रहा है, वो डर लग रहा है उसे. तो वो रात को डरता था और दिन में सोता था. नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉलम. आपको पिक्चर भी दी गई है ताकि आपको पूरा सिनेरियो समझ में आए और आप इमेजिन अच्छे से कर सकें. वन नाइट, एक रात, ही फाउंड नो फूड. F-O-O-D, फूड मीन्स भोजन. एक रात को उसे भोजन नहीं मिला, खाने को कुछ भी नहीं मिला. तो आप देख सकते हैं उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसे जब खाने को कुछ नहीं मिला तो वो ऐसे भूखा है. नाउ थर्ड कॉलम इज सडनली, S-U-D-D-E-N-L-Y, सडनली मीन्स अचानक. ही saw a fat rabbit hopping by. H-O-P-P-I-N-G, hopping means jumping in short steps, यानी छोटे छोटे कदमों में इधर उधर भागना, jump करना. कौन jump कर रहा था? एक fat rabbit, एक healthy rabbit जो था वो, उसे उसने देखा जो इधर उधर कूद रहा था. Now come here in this column. The poor rabbit could not run away. R-U-N, run means भागना. जो बेचारा खरगोश था वो भाग नहीं सका. There was no time, वहाँ भागने का कोई वक्त नहीं था. The rabbit had an idea, I-D-E-A, idea means plan या तरकीब. अब क्या हुआ, जब उसको भागने को कोई जगह नहीं मिली या टाइम नहीं मिला, तो रैबिट के दिमाग में एक आइडिया आया. Now come to the page number 5, here. अब आप देखिए ये रैबिट काफ़ी अभी पावरफुल दिख रहा है इसके गेस्चर से. सो लेट्स रीड. हा हा हा, यू कैन नॉट ईट द किंग ऑफ द जंगल. जो रैबिट है वो लायन से कह रहा है, हंस के उस पर वो लाफ कर रहा है, उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि यू कैन नॉट ईट द किंग ऑफ द जंगल, तुम जंगल के राजा को खा नहीं सकते. ईट यानी खाना, ईट, तुम जंगल के राजा को खा नहीं सकते. सो बेसिकली ये यहाँ पर खुद को जंगल का राजा कह रहा है, किसे, लायन को. नाउ कम हियर. अब लायन कह रहा है, व्हाट, क्या, आर यू द किंग ऑफ द जंगल, क्या तुम जंगल के राजा हो. ये शौक में है कि वो उसे ऐसा बोल रहा है. अब रैबिट कह रहा है, आंसर दे रहा है, यस आई एम, हाँ मैं हूँ. लेट मी शो यू,
तो मुझे दिखाने दो कि मैं जंगल का राजा किस तरीके से हूँ। अब वो उसे प्रूफ देना चाहता है या उसे बिलीव दिलाना चाहता है कि वो रियल में जंगल का राजा है। एंड द रैबिट टुक द लायन इन टू द जंगल। TOOK टुक मीन्स ले जाना। अब क्या हुआ कि इस सीन में जो रैबिट है, खरगोश है, वो लायन को जंगल में ले जाता है। वैसे तो वो ऑलरेडी जंगल में है, बट वो एक स्पेसिफिक अपने एरिया में लेके जाता है। अब यहाँ लायन कह नहीं रहा कुछ भी, लेकिन वो सोच रहा है अपने माइंड में, क्या थॉट है उसके दिमाग में, ओ द रैबिट इज़ द किंग ऑफ द जंगल। ओ ये जो रैबिट है ये तो जंगल का राजा है। वो उसने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उसने यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स देखे जो उसकी तरफ झुक रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी नेक देखिए आप, वो बेंट हुई हुई है, वो झुकी हुई है। द रैबिट हिड बिहाइंड द बुशेस, BUSHES, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, हिड HID, हिड मीन्स छिपना, BEHIND, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड द बुशेस यानी झाड़ियों के पीछे। आपने झाड़ियाँ देखी होंगी, जो फॉरेस्ट होता है उसमें झाड़ियाँ होती हैं। द रैबिट हिड बिहाइंड द बुशेस, जो रैबिट है वो जाके झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। द एनिमल सॉ द लायन एंड बोर्ड बिफोर हिम। अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर जितने भी, जैसे ये जिराफ है, सॉरी ज़ेब्रा है, जिराफ है, ये डियर है, तो ये क्या करते हैं, एनिमल सॉ द लायन, वो शेर को देखते हैं और बोर्ड यानी बेंट होना, झुकना, बोर्ड बिफोर हिम, बिफोर हिम मतलब उसके सामने, वो उसके सामने झुक जाते हैं, अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। द रैबिट टर्न्ड टू द लायन, अब जो रैबिट है वो लायन की तरफ मुड़ता है। वेल नाउ यू नो हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा क्या तुम्हें पता लग गया कि जंगल का राजा कौन है। अब लायन आंसर दे रहा है येस, हाँ, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी हम तब बोलते हैं जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम उनको जैसे उनकी महानता का बखान करने के लिए हम उन्हें मैजेस्टी बोलते हैं। महान, मैजेस्टी का मतलब होता है महान होना। आई बो बिफोर यू, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने अब झुकता हूँ कि हाँ मैं मान गया, मैंने हार मान ली, तुम ही जंगल के राजा हो। दिस इज़ हाउ द क्लेवर रैबिट सेव्ड हिमसेल्फ, और इस तरीके से जो क्लेवर रैबिट था यानी कि चतुर या शार्प रैबिट था, उसने अपने आप को सेव कर लिया, बचा लिया लायन से। सो दैट्स ऑल, ये आपकी स्टोरी थी। अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स, सो दैट आपको हर एक मीनिंग का आपको मतलब पता हो, ताकि आप जब भी इस चैप्टर को रीड करें तो आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, बट आपको इसके मीनिंग भी समझ में आने चाहिए। अब आप अपनी नोटबुक निकालिए और जैसा मैंने बताया है वैसा कीजिए। बट बिफोर दिस आप क्या करेंगे, पहले ऊपर एंट्री कर लीजिए, चैप्टर 2 द किंग ऑफ द जंगल, पेज नंबर डालिएगा उसके नीचे, और उसके बाद में आप न्यू वर्ड्स लिखना, और जैसे लाइन वाइज मैंने किया है वैसा आपके वर्ड मीनिंग है। जो नंबर 1 इज माइटी, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन। माइटी और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी मीनिंग। माइटी, माइटी मीन्स शक्तिशाली या शक्तिमान। नंबर 2, एक वर्ड आया था हॉन्टेड, HUNTED, हॉन्टेड। हर के ऊपर आप ये लगाएंगे ये साइन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन हॉन्टेड। ये आधा नया आएगा इधर, हॉन्टेड का मतलब होता है भय या फिर डर, डरना किसी चीज से, और किससे डरता था, नाइट से, एट नाइट वो डर नहीं था।
H-O-P-P-I-N-G. प्रोनाउंसिएशन होगा इसका. अब इस पी के ऊपर यहाँ एक डॉट लगेगा, एक बिंदी लगेगी, न का काम कर रहा है इसके. हॉपिंग, हॉपिंग मीन्स कूदना. और कौन जंप कर रहा था? वो जो रैबिट था वो जंप कर रहा था, कूद रहा था. नंबर फोर इज किंग. अच्छे से देख लीजिए आप, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, तो आप इन्हें नोटिस कर लीजिए. ये 1 to 6 हैं जो आपको प्रॉपर अल्फाबेट में ये लिखने हैं आपको. नाउ वी विल डू क्वेश्चन ए ऑन पेज नंबर 6. सो प्लीज कम टू द पेज नंबर 6 इन योर बुक. आपका क्वेश्चन ए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको ये बॉक्स दिया गया है, येलो कलर का आपको दिखेगा अपनी बुक में, और आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं इन सेंटेंस में. ये है आपके ब्लैंक्स, ये जो मिसिंग ब्लैंक्स है. तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पढ़ के जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड हो, करेक्ट वर्ड हो, वो इस में आपको इस ब्लैंक में या सॉरी इस कॉलम में मिलेगा. इस बॉक्स में आपको वो वर्ड्स मिलेंगे और जो भी आपको सही लगे वो आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि भरना है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज द लायन स्लैप ड्यूरिंग द डैश. ये बोल रहा है कि जो शेर था वो सोता था, किसके दौरान सोता था? वो हमने पढ़ा था कि वो डे में सोता था, यानी कि ड्यूरिंग द डे, दिन में वो सोता था. अब आप इस बॉक्स में डे ढूंढिए. आप वर्ड, नंबर 1 वर्ड इज बोर्ड,
हमें मिल गया, हम इसे फिल करेंगे यहाँ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया जो कि कुछ इस तरीके से है, द लायन स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान जो शेर था वो सोता था। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, ही हॉन्टेड एट डैश, वो यानी कि वो जो लाइन है वो हॉन्ट होता था, डरता था एट, वो कब डरता था, एट नाइट, वो रात को डरता था। तो आप इसमें नाइट पर ढूंढिए, बोर्ड डे को वही है, रन किंग नाइट, ये हमने पढ़ लिया। ये भी सेंटेंस आया था चैप्टर में, तो हमने लिखेंगे ही हॉन्टेड एट नाइट, रात को वो डरता था, वो शेर रात को डरता था। आपका फर्स्ट सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ नंबर टू सेंटेंस इज द लायन वाज हंग्री, जो शेर था वो हंग्री यानी भूखा था, ही वांटेड टू ईट द डैश, वो खाना चाहता था, वांटेड मींस चाहता था, टू ईट खाना चाहता था, क्या खाना चाहता था वो, उसने सडनली एक रैबिट को देखा था, ही सॉ अ रैबिट सडनली, तो इसने वर्ड ढूंढे रैबिट, बोर्ड डे रन किंग नाइट रैबिट, ये हमें मिल गया लास्ट वर्ड, तो आप इसे यहाँ फिल करेंगे आर ए डी बी आई जी, The lion was hungry, शेर भूखा था, he wanted to eat the rabbit, और वो खरगोश को खाना चाहता। Number three sentence is, the rabbit was afraid, जो rabbit था वो afraid था, यानी डरा हुआ था, afraid, afraid means डरा होना, but लेकिन did not dash away, लेकिन वो क्या नहीं कर सका, अब हमने देखा था कि वो डरा हुआ था, उसे वक्त नहीं मिला, तो आप इसमें वो वर्ड ढूंढिए, बोल डे रन, ये वर्ड आपको मिल गया रन, तो आप इसमें फिल करेंगे ही डिड नॉट रन अवे, वो भाग ना सका। नंबर फोर इज ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, उसके बाद यहाँ एक बैंक है, बिफोर द लायन, शेर के सामने, शेर के सामने सभी जानवर क्या कर रहे थे, सो हमने पढ़ा था कि वो उसके सामने झुक रहे थे, तो आपको वर्ड ढूंढिए इस बॉक्स में, आप देखिए जो नंबर वन वर्ड है बोर्ड, ये है झुकना, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे बी ओ डब्ल्यू ई, बोर्ड मीन्स टू बैंड डाउन, ऑल द एनिमल बोर्ड बिफोर द लाइन, शेर के सामने सभी जो एनिमल्स हैं वो बोर्ड हो गए यानी झुक गए। नंबर फाइव सेंटेंस इज द लायन थॉट, उस शेर ने सोचा, थॉट मीन्स सोचना, द रैबिट वाज द डैश ऑफ द फॉरेस्ट, उस शेर ने सोचा कि जो खरगोश है वो जंगल का, अब वो क्या है, जंगल का क्या है, अब एक ही वर्ड बचा है इस बॉक्स में, ये किंग, जंगल का किंग है, तो वो आप इसको फिर यहां कर दें। आपका क्वेश्चन ए यहां कंप्लीट होता है। वन टू फाइव सेंटेंसेस में आपको ये बुक में फिल करना है, देख लीजिए इसे अच्छे से। आफ्टर क्वेश्चन ए वी विल डू क्वेश्चन बी, चूज द राइट आंसर, ये आपको सेम पेज पे मिलेगा, पेज नंबर सिक्स, चूज द राइट आंसर, आपको राइट आंसर, करेक्ट जो आंसर है वो आपको चूज करना है हर एक क्वेश्चन के। देयर आर थ्री ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी एंड सी, आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन का उसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको ऑप्शन, और वही उसका आंसर होगा, और सभी ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके चैप्टर से रिलेटेड ही हैं। सो योर क्वेश्चन नंबर वन इज़ द लायन लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहना, अब ये पूछ रहा है कि जो शेर था वो कहाँ रहता था, योर ऑप्शन ए इज़ इन अ ज़ू, ऑप्शन बी इज़ इन अ जंगल, ऑप्शन सी इज़ इन अ सिटी, ऑप्शन ए है चिड़ियाघर, ऑप्शन बी है जंगल यानी कि फॉरेस्ट में, वन में, ऑप्शन सी है एक शहर में। तो एज वी नो कि जो शेर था वो जंगल में रहता था, सो वी नो द आंसर क्वेश्चन बी, सॉरी ऑप्शन बी, तो आप इसको चूज करेंगे इस तरीके से, राइट टिक दे देंगे, द लायन लिव्ड इन अ जंगल। नाउ लुक एट नंबर क्वेश्चन टू, द लायन सॉ डैश होपिंग इन फ्रंट ऑफ हिम,
अब यहाँ ब्लैंक आया है सो हमें पता लग गया कि इसमें हमें फिल करना है जो भी वर्ड आएगा ऑप्शंस में दिया गया होगा। ये बोल रहा है द लायन सॉ, शेर ने देखा, क्या देखा, होपिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने कोई कूद रहा था, होपिंग मीन्स जंप करना। तो कौन जंप कर रहा था, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए इज़ अ रैबिट, एक खरगोश, ऑप्शन बी इज़ अ मंकी, एक बंदर, ऑप्शन सी इज़ अ फ्रॉग, एक मेंढक। सो हमें पता है कि ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट अ लायन एंड अ रैबिट, तो लायन तो है ही इसमें और उसके सामने कौन कूद रहा था, अ रैबिट, तो आप इसमें फील करेंगे अ रैबिट। अवर लास्ट क्वेश्चन इज द रैबिट डिड नॉट रन अवे, जो खरगोश था वो भाग नहीं सका फ्रॉम द लायन, शेर के चंगुल से वो भाग नहीं सका बिकॉज, क्योंकि ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज़ देर वॉज नो टाइम, वहाँ समय नहीं था, वक्त नहीं था भागने का, नंबर सॉरी ऑप्शन बी इज़ ही फॉरगेट टू रन, वो फॉरगेट यानी भूल चुका था भागना, ऑप्शन सी इज़ ही डिड नॉट नो हाउ टू रन, वो उसे नहीं पता था कि भागा कैसे जाता है। सो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, कि वो क्यों नहीं भागा था रैबिट वहाँ से, शेर के सामने से क्यों नहीं भागा था। हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई लाइन नहीं आई है जिसमें वो या तो भूल चुका हो भागना या फिर वो भाग नहीं सकता, वो जानता नहीं हो। तो इन दो ऑप्शंस को छोड़ के एक ही क्वेश्चन बचता है विच इज़ ऑप्शन ए देर वॉज नो टाइम, यही लाइन आई थी उस बुक में कि वहाँ वक्त नहीं था भागने का, सो वी सेलेक्ट दिस ऑप्शन ए। सो इसी के साथ क्वेश्चन बी भी कंप्लीट हो चुका है और इसकी आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज जो मैंने आपको न्यू वर्ड्स दिए हैं वो आप प्लीज़ घर पे लर्न कीजिए, उसे लिखिए और फिर से लर्न कीजिए, दैट्स योर होमवर्क। थैंक यू।